हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुसाफिर संदीप। आज आपको मैं बताऊंगा कोरोना के बारे में। कोरोना वायरस एक जानलेवा महामारी जो पूरा वर्ल्ड आज घुटनों पर आ गया। इसके आज कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, सीधा जान लेके मानता है। मोस्टली केस में आपने देखा होगा इटली, चाइना, जर्मनी, स्पेन, ईरान, कितने लोग, कितने देशों में ये इतने लोगों को मार चुका है अब तक। और अभी इसने इंडिया में एंटर कर लिया है दोस्तों। वी आर इंडियंस दोस्तों, आप जानते हो जब हम कोई ठान लेते हैं बात को तो उसको करके छोड़ते हैं पूरा दोस्तों। अब इससे निपटने का एक ही तरीका है, डिस्टेंस, दूरी। दोस्तों समझिए कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, देन आई विल टेल यू इससे कैसे बचना है। दोस्तों कोरोना वायरस फैलने के दो तरीके हैं, एक तो खांसने के द्वारा और एक किसी को टच करने के द्वारा। यदि कोई इंसान जिसे खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, खराश हो रही है गले में, यदि हम नहीं जानते उससे कोरोना वायरस है या नहीं है, लेकिन यदि वो खांसता है, सपोज उससे मान लीजिए कोरोना वायरस है, सपोज दैट वो खांस रहा है, तो उसको खांसना है कोहनी लगा के ताकि सारे वायरस जो है कोहनी से नीचे जाए। यदि वो हाथ रहा है, खांस रहा है, तो वो वायरस उसके हाथों में आ जाएगा और वो कहीं टच करेगा तो वो उसके बाद कोई अच्छा इंसान जिसको कोरोना वायरस नहीं है वो उस जगह को टच करेगा तो वो कोरोना वायरस उसके हाथ में टच कर जाएगा और वो कोरोना वायरस उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा नाक और मुंह के द्वारा या आंख के द्वारा। दोस्तों ट्राई करना है कि जब आप बाहर निकलते हैं पहला आप मास्क पहने, मास्क पहन के ही बाहर निकले। लेकिन पता नहीं आपके एरिया में 1 मीटर के दायरे में पता नहीं कौन सा इंसान आपको पास ओवर करे और उसको कोरोना वायरस हो, या वो छींके या फिर उसके मुंह से कीटाणु निकलते हैं तो आपके अंदर आ सकते हैं। पहली बात दोस्तों, आप जब भी घर के अंदर हैं या बाहर हैं, सपोज दैट हर आधे एक घंटे में आपको हाथ धोने चाहिए। 20-20 सेकंड तक लोग बोलते हैं, मैं कहता हूँ 30 सेकंड तक आपको धोना चाहिए हाथ साबुन से अच्छे से। एक्स्ट्रा केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर ए 1 पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। सबको मालूम है जब भी आप कहीं बाहर आते हैं दुकान पे सामान लेने के लिए, सपोज आप एग्जांपल आप सामान लेने जा रहे हैं, आपके पास एक बड़ा नोट है, आपके पास चेंज नहीं है, तो वो दुकानदार आपको सामान देगा और आपको चेंज देगा नोट के रूप में। यदि नोट के रूप में आपको चेंज दिया तो उस नोट पे कोरोना वायरस लगा हुआ है या नहीं है ये आप नहीं जानते। सपोज वायरस लगा हुआ है नोट पे तो वो नोट आप जो है जेब में रख लेंगे, उस नोट को आप बार बार छुएंगे तो वो कोरोना वायरस के जो कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, वो आपके हाथ में रहेंगे और हाथ के द्वारा वो नाक और मुंह में जा सकते हैं। दोस्तों आप ट्राई करें कि वो नोट आप लेकर रख लीजिए, जेब में रख दीजिए और एक दिन बाद उसको छुएं। जब आप बाहर से आते हैं घर में आने के बाद आप अच्छे से हैंड सैनिटाइज कीजिए, अदरवाइज अपने हाथों को अच्छे से 20-30 सेकंड अच्छे से धोइए ताकि कोई अगर चांस भी है तो वो चांस मिट जाए। दोस्तों कोई सामान यदि आप बाहर से मंगाते हैं ऑनलाइन दिन रख दीजिए ताकि नेक्स्ट डे यूज कीजिए। कोरोना वायरस जिस सतह पर रहता है तो वो 24 घंटे मैक्सिमम 24 घंटे में वो उसका एक्टिवनेस खत्म हो जाती है। दोस्तों यदि आप किसी से हाथ मिलाते हैं, वैसे हाथ मिलाना आजकल ठीक नहीं है, यदि हाथ मिलाते हैं तो अपने हाथों को अपनी आंख, नाक और मुंह में आप मत लगाइए। बिकॉज पता नहीं वही बात, उसको अगर कोरोना वायरस अगर है तो चांस बढ़ जाते हैं दोबारा। दोस्तों यदि आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए, यदि आप कोई कार्ड स्विप कराते हैं और वही कार्ड आपका लेके जो एम्प्लॉई है वो कार्ड स्विप करेगा, उसको यदि वायरस है, क्योंकि कितने लोग आते हैं पेट्रोल लेने के लिए, पता नहीं कितने लोगों से वो कार्ड लेते हैं और किसका वायरस कहाँ टच कर रहा है, यदि उस इंसान को कोरोना वायरस हुआ बाय चांस तो वो कोरोना वायरस आपके पास पहुंचाएगा कार्ड के द्वारा। इसलिए यदि आप कार्ड लेते हैं तो कार्ड लेके आप रख दीजिए अपने कबाड़ में, कार्ड की जगह में रख दीजिए आप और एक दिन के रख दीजिए, यदि इमरजेंसी नहीं है तो एक दिन बाद उसको यूज कीजिए ताकि उसके ऊपर यदि जर्म्स है तो जर्म्स मिट जाए। वैसे तो मैं कहता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि यू ट्राई टू पे योर पेट्रोल पेमेंट बाय पेटीएम और बाय अदर मेथड्स लाइक फोन पे एंड बहुत सी जो ऐप है उनके द्वारा पे कीजिए ऑनलाइन।
उससे आप बचे रहेंगे दोस्तों। इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी दोस्तों। और बाकी जैसा कि आप जानते हैं, खांसते वक्त हमेशा टिश्यू पेपर लगाइए आप, और लगाने के बाद उसको आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, बाहर नहीं फेंकना, इससे और लोग भी इन्फेक्शन में आ सकते हैं दोस्तों। आप खांसते हैं, यदि आप टिश्यू पेपर नहीं है कोहनी लगाइए और खांसी, ताकि अगर सपोज किसी को अगर जम्स अगर हैं तो जम्स से नीचे रहेंगे। और जब भी आप जाते हैं किसी काम से तो 1 मीटर का डिस्टेंस रखें बना के, क्योंकि 1 मीटर का डिस्टेंस बनाने के बाद आप सेफ रहेंगे दोस्तों। दोस्तों आप खुद इतने कीमती हैं, आपका जीवन बहुत कीमती है। यदि आप एक ही कमाने वाले हैं घर में, और सपोज कीजिए आपके पीछे फैमिली है, माता पिता है, वाइफ है एंड बच्चे हैं, दोस्तों आप कितने कीमती हैं सोचिए, आपकी जान कितनी कीमती है। और आपने जान तब बचाएंगे साथ में अपनी फैमिली की जान बचाएंगे। तो ट्राई कीजिए घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें, घर में रह के जो है अपना अपनी लाइफ बचाइए, फैमिली की लाइफ बचाइए, और जो बाकी लोग हैं उनकी लाइफ बचाइए। दोस्तों जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथों में होता है, फिर भी इसमें सहयोग करना आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सपोज अगर किसी को कोरोना वायरस हो चुका है और उसको मालूम पड़ गया कोरोना वायरस है, तो वो फटाफट जाके अपने आप को अस्पताल जाए और जाके वहां पर अपने आप को दिखाए। या किसी को लगता है कि 3-4 दिन हो गए हैं खांसी आ रही है सूखी वाली, गले में खराश है, तो फटाफट जाए डॉक्टर के पास चेक कराए। क्योंकि जब तक ये मालूम पड़ता है कोरोना वायरस आपको है, तब तक आप कितने लोगों को टच कर चुके होते हैं, कितने लोगों के पास आप जा चुके होते हैं, कितने लोगों के पास आप जाके खांस चुके होते हैं जाने अनजाने में। दोस्तों आपको मालूम है ये वायरस ऐसे ही फैला है ह्यूमन बॉडी से टच करने पर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होने में टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन 100 से 200 होने में टाइम लगता नहीं है। ये अभी इंडिया हमारा सेकंड स्टेज में है, और मुझे यकीन है कि इंडिया वाले बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि पहले जान है तो जहान है, वो जानते हैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो जानते हैं इंडिया वाले कि आप कितने कीमती अपने परिवार के लिए। आई अप्रिशिएट आज डॉक्टर्स की टीम, आज जो पुलिसमैन की टीम, आज जो मीडिया कर्मी की टीम जो काम कर रही है फील्ड में रहकर ऐसे हालात में, आई सल्यूट देम, एंड आई आल्सो सल्यूट जो सफाई कर्मचारी इस टाइम काम कर रहे हैं पूरे देश में, आई सल्यूट देम रियल दिल से, ऐसे हालात में वो काम कर रहे हैं। ऊपर वाला उनको सलामत रखे, उनकी फैमिली को सलामत रखे, रियली दोस्तों दिल से दुआ करता हूँ मैं बात के लिए। दोस्तों आप जानते हैं जीवन बहुत कीमती है, इस जीवन को ऐसे कोरोना वायरस छीन नहीं सकता, एक वायरस के द्वारा अपनी लाइफ नहीं दोस्तों। I can't allow any virus to take my life, even I will not allow you to give your life to any virus. This is a life gifted, gift from God. ये आपका एक जीवन जो है ये एक उपहार है भगवान की तरफ से। जाने आप भविष्य में कितने लोगों की हेल्प करेंगे, जाने आप भविष्य में कितने लोगों का सहारा ठहरेंगे, जाने आप कितने लोगों को खाना खिलाएंगे, कितने लोगों की आप मदद करेंगे। दोस्तों एक आप अकेले नहीं है, आपके सारे बहुत से जीने वाले हैं, आपको देख के बहुत से लोग जीते भी हैं, आपको शायद नहीं पता, आप क्या पता खुद एक दुनिया है किसी के लिए। आपके ऊपर बहुत से मिटकी हैं, आपके ऊपर बहुत से सपने जुड़े हुए हैं, आपके साथ बहुत से ड्रीम्स जुड़े हुए हैं लोगों के, आपके माता पिता के, आपके बच्चों के, आपकी पति या पत्नी के बहुत से सपने जुड़े हुए हैं। दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है इस जिंदगी को आप ऐसे छोटे मोटे कोई कोरोना वायरस
के हाथ में मत दीजिए दोस्तों, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ कि आप घर पे रहिए। हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि 21 डेज के लिए आप जो है भूल जाइए कि बाहर क्या है। दोस्तों आप जानते हैं, जान है तो जहान है। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, जैसे इटली में हाल हुआ है, लोगों की लाशों को ट्रक में भर भर के लिया जा रहा है शहर के बाहर दफनाने के लिए, वहां जगह भी नहीं है। एवन वहां पर वहां के होटल्स को तब्दील कर दिया हॉस्पिटल में, और वहां के जो रेस्टोरेंट एंड बार है मैंने सुना है कि उनको भी तब्दील कर दिया है हॉस्पिटल्स में। दोस्तों ये हाल हो रहा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको लिया नहीं सीरियसली। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे देशवासी, भारतवासी इस चीज को अब ले रहे हैं सीरियसली। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी जैसे कि लॉकडाउन के समय में, लेकिन अब जिस तरह लोगों का समझदारी वाला कैरेक्टर सामने आ रहा है, आई अप्रिशिएट, आई सल्यूट देम। उन लोगों को सल्यूट करता हूँ जो इस टाइम घर में बैठे हुए हैं, जिन लोगों को फील्ड में रहने की आदत है, जिन लोगों को फील्ड में काम करने की आदत है, जिन लोगों को दिन रात काम करने की आदत है, दोस्तों आई सल्यूट देम जो इस टाइम पेशेंस रख के बैठे हुए हैं। और दोस्तों रियली ये एक आसान काम नहीं है इस टाइम बैठना शांतिपूर्वक, पेशेंस रखना। लेकिन आपके पेशेंस ही आपकी जिंदगी दे सकता है, आपका पेशेंस आपके बच्चों की जिंदगी दे सकता है, आपका पेशेंस कई लोगों को लाइफ दे सकता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरे हाथ छोड़ के, आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी फैमिली को एंजॉय कीजिए। कई बार बहुत लोगों की शिकायत थी यार छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी मिलती है तो छुट्टी मिलती है एक दिन, उस दिन घर वाले काम करने पड़ते हैं, उस समय भी काम करते हैं, बात नहीं। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प करना काम में कोई भी बुरी बात नहीं है, कि दोनों एक ही हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही होते हैं। अपने घर पे रह के हो सके तो जो काम में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं आप उनकी हेल्प कीजिए, और बाकी जो आपको मालूम है काम तो बहुत सारे हैं घर में जो आप कर सकते हैं बैठे बैठे, वो आप काम कीजिए। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमको टाइम मिलता नहीं है फैमिली से मिलने का, ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों जो सुबह जल्दी उठते हैं और बच्चे सोए रहते हैं अपना ऑफिस निकल जाते हैं, जो बहुत दूर जॉब करते हैं, दिन भर वो काम करते हैं, शाम को जब थक हार के रात को 11-12 बजे आते हैं उनके बच्चे तभी सो रहते हैं, दोस्तों उन बच्चों से बात कर नहीं पाते हैं, और कई बार तो उनको टाइम मिलता नहीं है पूरे हफ्ते हफ्ते। दोस्तों ये टाइम आपको मिला है प्रॉब्लम की तरफ से, आप बच्चों के साथ टाइम बताइए, उनको अपना प्यार दीजिए। ये समय आ गया है इसको यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। अपने बूढ़े माता पिता के साथ बैठिए, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से उनके साथ ना बैठ पाए हो सकता है कि आप बहुत टाइम से उनके साथ ना अच्छे से बात कर पाए हो, उनके साथ चाय पीजिए, उनके साथ खाना खाइए। दोस्तों ये भी ह्यूमैनिटी है, जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा कराया, पाला है, पोसा है और आपको एजुकेशन दी है, अपनी जरूरतें खत्म करके आपकी जरूरतें पूरी करी हैं, आपकी बुक्स, आपकी ट्यूशन फीस, आपके कोर्स की फीस, आपके क्लोथिंग, आपके गारमेंट्स अपने ना लेके आपको दिलाएं। दोस्तों ऐसे माता पिता के साथ आप टाइम बताइए। दोस्तों आप हो सकता है कि उनको शायद इस टाइम कोई गिफ्ट ना दे पाए, आप उनको कुछ चीज ना दे पाए, लेकिन दोस्तों आप इच्छित दे सकते हैं, अपना समय उनको दीजिए, और उनका पूछिए उनसे एक बार, आप कैसे हैं पिताजी, आप कैसे हैं मम्मी, जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी घर की जबान के अंदर वो यूज कीजिए प्यार से अपने पेरेंट्स से। आप उनके साथ टाइम बताइए, उनसे पूछिए एक बार वो कैसे हैं, दे विल बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, वो अंदर से इतने खुश होंगे ना उसका अंदाजा लगाना आपको मुश्किल है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इस टाइम कि मेरे माता पिता अंदर से क्या फील कर रहे हैं। दोस्तों ये तो बात रही फैमिली की बात, क्योंकि जब आप घर पे हैं तो फैमिली तो आपकी रहेगी, आप बाकी
आप जिंदा रहिए फैमिली के लिए, अपने लिए, क्योंकि बहुत से अचीवमेंट्स, बहुत से काम, बहुत से बड़े बड़े काम आपके द्वारा होने वाले हैं। एंड बिलीव इन दिस गॉड। दोस्तों, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू एवरी पर्सन के जो बातें हमारी गवर्नमेंट ने बोली हैं, आप घर पे रहिए और कोरोना के चैन को तोड़िए। डेफिनेटली इस चैन को तोड़ने आपका हमें साथ चाहिए दोस्तों, एंड आई ट्रस्ट यू आप ऐसा करेंगे, बिकॉज लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये लाइफ आपके लिए तो है, ये लाइफ आपकी औरों के लिए भी है। दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनल हो गया, सॉरी, क्योंकि यू नो मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, मेरी पेरेंट्स है, फैमिली है, जैसी मेरी फीलिंग थी मैं आपको शेयर कर दी। दोस्तों, मैं बहुत इस टाइम हैप्पी हूँ इस टाइम, हालांकि मुझे भी बहुत बाहर निकलने की आदत है, लेकिन दोस्तों मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं घर पर ही हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं अभी ये प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, आप जो बताया गया था एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइंड कराता हूँ। कोरोना वायरस फैलता है खांसने से या टच करने से, ह्यूमन बॉडी फैलता है, ये नाक मुंह और आंख के द्वारा अंदर आता है, अंदर आते ही 3-4 दिन गले में रहता है, उस दौरान आपको लगता है खांसी आ रही है, आप जो है गर्म पानी पीजिए चाय की तरह, ताकि ये वायरस यहाँ पर इनएक्टिव हो जाए। और दोस्तों उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी शिकायत है, तो गो टू हॉस्पिटल, मत चेक कराइए, टेस्ट कराइए। और बाकी आपको लगता है कि आस पड़ोस में ऐसा की मामला आ रहा है, आप प्लीज इन्फॉर्म टू योर नेबर पुलिस, कहीं ऐसा ना हो कि आप ना फोन करें और वो इंसान आसपास कोरोना वायरस फैला दे। दोस्तों बाकी आपको पता है, जब खांसते हैं तो टिश्यू पेपर लगाइए एंड कीप डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम एवरीबॉडी, हैंड वॉश कीजिए 20-30 सेकंड हर आधे घंटे बाद, एंड हाइजीनिक रहना बहुत जरूरी है। कहीं जाते हैं आप दुकान पे तो सामान लेते हैं, तो सामान लेकर आते हैं तो कि उस सामान को रखिए कुछ देर के लिए साइड में, बच्चों को बोले बहुत छुए ना। आप नोट लेकर आते हैं दुकान से, उस दुकान वाले से नोट लेते हैं आप, उस नोट को भी आप जो है अच्छे से रखिए संभाल के, दार टच ना कीजिए। पेट्रोल लेने आते हैं तो ट्राई कीजिए पेटीएम से करना। तो आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहिए। आई प्रे टू एवरीबडी, आई प्रे टू गॉड, प्लीज सेव द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड को सेव करने में आपका सहायता बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आप दिल से खुश होंगे कि हाँ, आपका भी योगदान रहा था इस देश को, नहीं पूरे वर्ल्ड को सेव करने में। आप भी कह सकते हैं जब टाइम आएगा कि उस टाइम हम 21 दिन या इतने दिन तक हमारे घर में रहे थे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों आप शेयर जरूर करना, क्योंकि यह वीडियो बनाया गया है, दिस वीडियो ओनली फॉर समाज के लिए, दुनिया के लिए। थैंक यू दोस्तों, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।